ये अमेज़न के द्वारा व्हर्लपूल रेफ्रिजरेटर मंगाया गया है, अभी अभी ये पहुंचा है। ये मॉडल नंबर 21221 है। अगर आप व्हर्लपूल का इस टाइप का स्मार्ट फ्रिज खरीदना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे तो आपको बाइंग के रूप में खरीदने के लिए आपको बहुत अच्छा मार्गदर्शन, बहुत अच्छी गाइडेंस मिल सकती है। तो शुरू करते समय अगर आप रेफ्रिजरेटर को खरीदने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले नंबर वन जो बात आती है, सबसे पहले जो आपको ध्यान देना है वो है नंबर वन डायमेंशन, कि फ्रिज की डायमेंशन देखनी है कि ये कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, कितना ऊंचा है। वो आप अपनी किचन और जहाँ पे आप फ्रिज रखना चाहते हैं वहाँ की लेंथ मेजर कर लें कि कितनी लंबाई चौड़ाई और हाइट यहाँ पे एडजस्ट हो सकती है। नंबर दो पे आप ध्यान देंगे कि अगर आपकी फैमिली दो लोगों तक है तो आपको सिंगल डोर का रेफ्रिजरेटर, जिस प्रकार का कि ये रेड वाला है, इस प्रकार का आपका काम चल सकता है। लेकिन अगर आपकी फैमिली दो से बड़ी है, दो से अगर छः तक भी हैं, दो से लेकर छः तक अगर आपकी फैमिली में मेंबर हैं, तो ये डबल डोर का जो सामने ये डबल डोर का रेफ्रिजरेटर है 265 लीटर का है, ये इस प्रकार का रेफ्रिजरेटर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। नंबर तीन पॉइंट बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये वीडियो मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि मैं अपने खरीदने के सारे एक्सपीरियंस आपको बता सकें। नेक्स्ट ये है कि जैसे ये पुराना फ्रिज है, जब मैं फ्लिपकार्ट से इसको देख रहा था तो फ्लिपकार्ट में पुराने फ्रिज का रिप्लेसमेंट, मैं चाह रहा था कि नया फ्रिज की जगह पुराना फ्रिज वापस एक्सचेंज ऑफर में अगर है तो देख, लेकिन पहले वो दिखा रहा था एक्सचेंज ऑफर में लेकिन बाद में वो नहीं दिखाया, तो फिर इसको मैं रिप्लेस नहीं कर पाया। भले मैंने तो ये अमेज़न से ख़रीदा है क्योंकि मुझे अमेज़न में कुछ फैसिलिटी मिली थी, इसलिए जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। 262 लीटर का ये रेफ्रिजरेटर है और व्हर्लपूल का है, इसके बारे में हम अब डिटेल में आपको बताएंगे जिससे कि आपको अच्छी गाइडेंस मिल सके कि कैसे कैसे ये खरीदा जाता है और कैसे कैसे इसकी फैसिलिटी है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मैंने इसे अमेजन से खरीदा है। अमेजन की प्यारे दोस्तों, अमेजन की जो सर्विस है ना वो बहुत गजब की है। क्योंकि देखो हुआ क्या मेरे साथ, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताना चाहूंगा कि ये 260 लीटर का वॉलपूल का 3 स्टार इंटेलिजेंस इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ ही आता है। ये मैंने जब खरीदा तो इसमें कुछ डेंट था, पीछे कुछ दिक्कत थी, तो मैंने तुरंत उन कस्टमर केयर में, अमेज़न के कस्टमर केयर में कॉल किया तो उन्होंने तुरंत जो है इसको रिप्लेस के लिए डाल दिया। तो 2-3 दिन के अंदर तुरंत ये नया रेफ्रिजरेटर मुझे मेरे को मिला और वो पुराना वाला उन्होंने लेके गया। तो ये अमेज़न की ये मुझे बहुत अच्छी फैसिलिटी लगी है। अगर ऑनलाइन आप बाई कर रहे हैं तो अमेज़न फ्लिपकार्ट दोनों बेटर, लेकिन अमेज़न की शायद सर्विस मुझे ज़्यादा बेटर लगी है। दूसरी बात क्या है कि अमेज़न से ख़रीदने का मेरा ये मतलब भी था क्योंकि उसमें ICICI का क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास है तो 1,500-2,000 का आपको बेनिफिट मिल जाता है और EMI का ऑप्शन भी मिल जाता है। अगर आपके पास एक साथ 25-30 हज़ार रुपये देने के लिए नहीं है तो वो आपको फैसिलिटी मिल जाती है। अमेजन से अगर आपको खरीदना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा उसके। वॉलपूल का जो ये रेफ्रिजरेटर है ये 3 स्टार है। 3 स्टार का मतलब, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार का मतलब होता है कि अगर जितना ज़्यादा स्टार होगा उतना आपकी एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कम होता है। हिसाब से आपको 3 स्टार से कम नहीं लेना चाहिए। यहाँ पे आप देखेंगे अप्लाइंसेस रेफ्रिजरेटर, इसका नाम है, ब्रांड व्हर्लपूल है और फ्रॉस्ट फ्री है ये। देखिए फ्रॉस्ट फ्री क्या होता है, टाइप इसका फ्रॉस्ट फ्री। फ्रॉस्ट फ्री क्या होता है, क्योंकि जैसे ये पुराने फ्रिज हैं, इन पुराने फ्रिज में क्या होता था कि बर्फ़ जम जाती थी फ्रीज़र में, तो उसको बटन दबाना पड़ता था 6-7 दिन में, तो वो फिर वो बर्फ़ पिघल करके वापस पीछे से बाहर आती थी। लेकिन इसमें फ्रॉस्ट फ्री का मतलब है ऑटोमेटिक, जो बर्फ़ थोड़ा सा भी बनेगी वो ऑटोमेटिक पिघल के निकल जाएगी, आपको बटन दबाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब प्रेजेंट टाइम में फ्रॉस्ट फ्री लेना ज़्यादा बेटर है। वैसे इम्पोर्टेंट जो मुझे यहाँ पे लगा है वो ये कि इसमें क्या है कि जो ये ऊपर वाला डबल डोर रेफ्रिजरेटर है, इसका जो ऊपर वाला सेंक्शन है, इसमें अगर आप इसको यहाँ पे देखिए,
कन्वर्टिबल मोड, अगर इसको आप अभी कन्वर्टिबल मोड में है ये, अगर मैं इसको इसको प्रेस कर दूं ये ऑटो में आ गया, अगर इसको प्रेस करता हूं तो ये कन्वर्टिबल मोड में आ गया। कन्वर्टिबल मोड का मतलब होता है कि पूरा का पूरा फ्रिज एक जैसा कूलिंग करेगा, जो रेफ्रिजरेटर ऊपर ज़्यादा कूलिंग करता है वो अब ज़्यादा कूलिंग नहीं करेगा, एक जैसा ऊपर से नीचे तक रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपको स्टोरेज ज़्यादा मिल जाती है, जो नीचे आप सामान रखते हो वो ऊपर भी रख सकते हैं, तो आपको स्पेस ज़्यादा बढ़ जाता है, ये इसका फ़ायदा है, बहुत अच्छा फ़ायदा इसका ये है। और ये इंटेलिजेंस इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, देखिए एक होता है जो कंप्रेसर होता है, दो टाइप के आते हैं, एक जनरल कंप्रेसर और एक इन्वर्टिबल टेक्नोलॉजी वाला कंप्रेसर। तो जो इन्वर्टिबल टेक्नोलॉजी वाला कंप्रेसर है ये बिजली के लोड को ऑटोमेटिक कंट्रोल कर लेता है, और जो जनरल वाला है कभी हाई लोड अगर आ जाए तो कंप्रेसर खराब हो जाता है, तो इन्वर्टिबल कंप्रेसर लेना ज़्यादा बेटर रहेगा। और 10 ईयर की वारंटी कंप्रेसर पर है इसकी, तो कोई दिक्कत नहीं है, 10 ईयर तक आप इसको बहुत अच्छे से रिप्लेस कर सकते हैं फ्री में। वर्लपूल के एक टोल फ्री नंबर होता है, उस पर आप जब कॉल करेंगे तो वहाँ से इसको रिप्लेस कर सकते हैं। दूसरा जो ये स्मार्ट टेक्नोलॉजी डिजिटल बोर्ड यहाँ पे लगाओ, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, ये इंटेलिसेंस है। देखिए यहाँ पे एक इंटेलिसेंसर लगा हुआ है, वाईफाई जैसा साइन बना हुआ है। इसमें क्या होता है कि ये बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपने आप को अंदर से एडजस्ट करता है, जितना टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, जितने कूलिंग की ज़रूरत होती है, अगर आपने इसको ऑटो में रखा हुआ तो। ठीक है, ये देखिएगा, हमने इसको प्रेस किया, ये ऑटो, ऑटो का मतलब ऑटोमेटिक हो गया। अब ये इंटेलिसेंसर भी इसका काम करेगा, जिस प्रकार का आप अंदर उनको टेम्परेचर की जरूरत होगी, जिस प्रकार की आपकी चीजें अंदर रखी होंगी, उस प्रकार से वो ऑटोमेटिक इसको एडजस्ट करेगा। ठीक है जी, उसके बाद बात करते हैं, अगर इसके बाद हम इस फिर इस पे प्रेस किया तो लो, लो का मतलब होता है कि बिल्कुल लो में ये आपकी कूलिंग देगा। उसके बाद फिर दबाएंगे तो मीडियम, मीडियम कूलिंग, फिर उसके बाद हाई कूलिंग, राइट। तो मोस्टली क्या है कि आपको ऑटो में ही रखना चाहिए, ये ज़्यादा बेटर रहता है। और दूसरी बात है कन्वर्टिबल मोड, कन्वर्टिबल मोड अगर आप करते हैं तो अभी मैंने आपको बताया कि पूरा का पूरा रेफ्रिजरेटर फ्रिज में चेंज हो जाता है, तो नीचे जो सामान रखते हैं आप ऊपर भी फिर रख सकते हैं। इंटेलीफ्रेश कन्वर्टिबल है ये, इंटेलीफ्रेश मतलब इंटेलिजेंटली ये चीज़ों को फ्रेश करता है, राइट। तो इस प्रकार से ये इसका डिस्प्ले बोर्ड है। अब हम अंदर चलते हैं, इसके अंदर देखिएगा, लेकिन अंदर जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसकी जो डेप्थ है, डेप्थ मीन्स कि इधर से अंदर की तरफ जो है वो 65 सेंटीमीटर है, और ये आगे से जो इसकी चौड़ाई है वो इसकी 57 सेंटीमीटर है, और हाइट इसकी नीचे से लेकर के ऊपर तक ये 159 सेंटीमीटर है। दूसरी सबसे बढ़िया चीज़ इसमें, नीचे देखिएगा आप, इसमें आगे टायर से पीछे टायर है, लेकिन आगे वो ऊपर के लिए है, लेकिन पीछे जो टायर है वो आप आसानी से उसको इधर उधर खिसका सकते हैं, कोई दिक्कत, आसानी से कोई दिक्कत इसमें होती नहीं है। और जहाँ तक कलर की बात है तो ये आगे वाला जो कलर है काफ़ी अच्छा है, उसमें अंदर अपना चेहरा भी दिख जाता है, लेकिन साइड में थोड़ा सा ये दूसरे टाइप का है, मजबूत है, खूब मजबूत है, लेकिन थोड़ा सा दूसरे साइड में दूसरे टाइप का, पीछे थोड़ा सा और दूसरे टाइप का कलर है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जब मैंने इसको स्टार्ट किया था तो इस ये वाला एरिया गर्म हो गया था, तो इसमें घबराने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है, क्योंकि गैस ऊपर जब चढ़ती है तो साइड और बैक साइड से हल्का गर्म होता है, राइट, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और दूसरा यह है कि ओपन करने के लिए ये इसमें है, और नीचे वाला ये इसमें है, और लॉक की फैसिलिटी भी इसमें आ गई, पहले पुराने वालों में लॉक की फैसिलिटी नहीं थी, अब इसमें लॉक की फैसिलिटी भी आ गई है। अब हम चलते हैं अंदर, अब हम अंदर से ऊपर वाला डोर हम खोलते हैं तो देखिएगा बहुत ही गजब का ये अंदर से रेफ्रिजरेटर है। अब यहाँ पे देखेंगे आप कि जैसे ये है, ये आर्टिक फ्रेशर है, राइट। आर्टिक फ्रेशर का मतलब होता है कि इसमें आइस बॉक्स बना हुआ है, इसके अंदर आइस बॉक्स है, और उसमें पानी डाल के जब हम उसको फ्रिज के लिए रखते हैं और उसके बाद अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो इसमें नीचे गिर जाता है, ऐसे इसको
ऐसे इसके नीचे गिराएंगे तो ये नीचे आइसक्रीम इसके अंदर आ जाती है। देखिएगा ये आइसक्रीम आ गई, ठीक है। तो आपको और कुछ बहुत आसानी से इसको ऐसे घुमाया तो इसके अंदर बर्फ आ जाती है, राइट। और ये आइसक्रीम ट्रे है, इसमें आइसक्रीम आप रख सकते हैं। और ये नीचे देखिएगा ये पूरा फ्रीजर का एरिया है और इसमें देखेंगे इंटेलिसेंसर लगा, ऑटोमेटिक कंट्रोल करता है और डीप फ्रिज करना है। ये एरिया डीप फ्रिज का है, ये वाला देखिएगा। और इसमें क्या है ये देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये नॉर्मल है, ये डीप फ्रिज है। अगर इधर घुमाएंगे डीप फ्रिज, इधर करेंगे तो नॉर्मल, इधर करेंगे तो मिनिमम फ्रिज। इसका काम क्या है कि मिनिमम फ्रिज पे क्या है कि जैसे आपको ज़्यादा यूज कुछ नहीं इसका, अगर कहाँ यहाँ पर कुछ सामान नहीं रखा हुआ है तो इसको मिनिमम फ्रिज पर भी कर सकते हैं। और डीप फ्रिज अगर आपके घर पर कुछ पार्टी वगैरह है और अचानक कुछ ज़्यादा सामान रख दिया, तुरंत उसको ठंडा करना है तो डीप फ्रिज पर रख सकते हैं। और मोस्टली मेरी राय तो ये है कि ज़्यादातर इसको नॉर्मल पे ही रखें तो सही रहेगा, राइट। उसके बाद चलते हैं ये फ्रोजन फूड की ट्रे बनी है। ये देखिएगा ये, हाँ तो हमने डेरी मिल्क का ही रखा हुआ ये, इसका इसमें आप बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं आसानी से और बहुत अच्छा लुक इसका है, राइट। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं नीचे वाले डोर पे, इसको भी ओपन करते हैं। इसमें लाइटिंग वगैरह है, बहुत अच्छा लाइटिंग है। देखिएगा इसमें सबसे पहले तो ये तीन रैक हैं, 1, 2, 3, और ये टफन ग्लास है। टफन ग्लास बहुत मजबूत ग्लास होता है, 90 kg तक वेट इसमें रख सकते हैं ये वर्लपूल कहता है। लेकिन आप ज़्यादा भी इतना ज़रूरत हमें है होता नहीं है, 8-10 kg ज़्यादा ज़्यादा आप रख सकते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद चलते हैं लाइट, अंदर लाइट है इसके, देखिएगा अंदर लाइट है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा है। और इसमें इंटेलिसेंसर एक्टिव ड्यू लगाओ। अब देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो ये देखो फ्रेश फ्लो है, ये फ्रेश फ्लो बाहर से अंदर आती है और अंदर का जो बेकार फ्लो होता, हवा होती है वो बाहर जाती है। तो उससे क्या होता है कि अंदर नेचुरल फ्रेशनेस रहती है, सबसे इंपॉर्टेंट, राइट। उसके बाद नीचे बात करें तो ये माइक्रो ब्लॉक है, इसमें आप सब्जी रखते हैं। तो ये फ्रेशो नाइजर भी इसमें लगा हुआ, फ्रेशो नाइजर इसलिए लगा हुआ है कि अंदर का जो मॉइस्चर होता है बाहर जाता है और सब्जियां जो है फ्रेश रहती है बिल्कुल। जैसे देखिए टमाटर ठंडा और फ्रेश है बिल्कुल, और इसका 15 दिन तक ये बिल्कुल फ्रेश रहता है, ये वर्लपूल कहता है। लेकिन 7 दिन तक तो हमने भी इसको यूज़ किया, बहुत फ्रेश बिल्कुल रहता है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। और दूसरा यह है मॉइस्चर के अनुसार, अगर मॉइस्चर कम है बाहर के वातावरण में तो इधर करिए और ज़्यादा है तो इधर करिए, इस प्रकार से इसको यूज कर सकते हैं। बहुत गजब की फैसिलिटी इसमें है। और दूसरी बात यहाँ पे देखेंगे आप तो ये बोतल रैक है, ये और ये बोतल रैक, 4 रैक है इसमें, हाँ। और फिर ऊपर देखिएगा ये इजी रैक और इजी रैक, ये यक्स के लिए ट्रे भी दे रखी है। और इस प्रकार का आप इसको बहुत कंफर्टेबल तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और एवरीडे फ्रेश की चीज़ें ये आप यहाँ पे रख सकते हैं, लिखा भी एवरीडे फ्रेश, ठीक है जी। इस प्रकार से ये आपका पूरा फ्रिज का अनबॉक्सिंग। और हाँ देखिए ये आवाज़ भी हो रही है, अगर ज़्यादा देर तक ये ओपन रहता है तो ये आवाज़ करता है, ये देखो टूं टूं की आवाज़ हो रही है। ज़्यादा देर तक ओपन रहता है तो ये टूं टूं की आवाज़ करता है, बंद कर देंगे तो ये आवाज़ बंद हो जाती है। इसका बहुत अच्छा फैसिलिटी ये है कि गलती से अगर डोर ओपन हो गया, आप कहीं दूसरे कमरे में चले गए तो ये टूं टूं की आवाज़ करेगा तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा रेफ्रिजरेटर खुला है। और दूसरा ये भी है कि ये ऑटोमेटिक अपने आप चले जाता है डोर, जैसे बंद करते ना, अगर इतना भी हम हल्का सा भी करेंगे ना ऐसे तो अपने आप ये बंद हो जाता है। ये अच्छी फैसिलिटी इसकी है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे, पूरा रिव्यू मैंने बता दिया आपको जिससे कि आपको खरीदने में आसानी हो और आप इसको खरीदेंगे तो वैल्यू फॉर मनी लगेगा। तो इसी प्रकार के कोई भी फ्रिज आपको अगर लेने हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से आप सीधे अमेजन फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे जाके इसको बाय कर सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच, एंड सब्सक्राइब लाइक शेयर फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।